गुड मॉर्निंग। कसम से सुबह सुबह बच्चों को उठा कर तैयार करना एक जंग होती है उनके साथ। अब ये देखे जरा इनके काम। आए जल्दी से डालो पानी, दो कप नहीं है क्यों? एक जल्दी से मुंह धो, दूसरा कप किधर है? वो पीछे पड़ा हुआ क्यों नहीं कर रही जन्नत? क्या मसला है? जल्दी करे, वॉश कर लो जन्नत, देर हो रही है, जल्दी करो। सुबह 7:45 का टाइम, कितना मजा आ रहा है ना, माशाल्लाह। और ये साथ ही मेरी गोदी में है मोहम्मद मूसा, जो सुबह सुबह उठ जाते हैं और तंग करते हैं। रात बहुत तंग किया इन्होंने। मोहम्मद और ये यूनिफॉर्म मेरे बच्चों का, स्कूल गोइंग टू स्कूल। और ये आ गई जन्नत, ये डॉली तैयार हो गई। बॉटल्स हमेशा हाफ देने चाहिए बच्चों को। नहीं उठे बाबा, आप बैग पहने, रेडी फॉर स्कूल। सुनाए उसमें पानी पीना है जिसमें चिड़िया पीती है। जनाब आपकी तबीयत ठीक है? गले में दर्द है, वैसे ठीक है। आयत आप ठीक हैं? डॉली आप भी दे दें। लाफिस फी मानिला। बाबा से अपनी बो फिर बनवा लेना। आपने क्यों ओपन किया जन्नत बैग से? अरे वो स्कूल जा रही है। आओ ऊपर से देखे। मूसा क्या हुआ आपको? ओके रुको, जनत लाफिस टुली लाफिस। डॉली का बैग तो ले लें। आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह चले ही गए मूसा के बाबा बच्चों को लेके। और ये मूसा है, हम रात को डॉक्टर के पास गए थे तो उस टाइम से लेके अभी तक ये लड़का इतना तंग कर रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और इसको मैं अभी दोबारा सुलाऊंगी और फिर बाद में आऊँगी और नाश्ता जो हम करेंगे फिर वो दिखाऊँगी, ठीक है? वेलकम जी, वेलकम। मूसा उठ चुके हैं। मूसा खान कैसे हैं आप? ठीक हैं? इस लड़के ने सारी रात नहीं सोने दिया, बहुत तंग किया, कहता है मुझे मेरे अपने सीने पे सुलाओ।
कह रहा था अपने सीने पे सुलाओ वरना नहीं सोना। हाँ तो मैं बड़ी टेंशन में थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और अभी सालन रात का ही था, रोटियाँ बनाई हैं साथ चाय, क्योंकि पराठे हम नहीं बना रहे क्योंकि वो मैं आपको बताती हूँ। चल डर्टी कक्का, डर्टी कक्का, या 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 बाबा बाबा। क्योंकि तमाम बच्चों के गले बहुत शिद्दत से ख़राब हैं तो इसलिए हम लोग जो है ना आज रोटियां खाएंगे। ये मूसा चले नाश्ता करते दिखाते हैं आपको। ये हम दूसरे कमरे में जा रहे हैं। जब से यकीन माने ना अम्मी की डेथ हुई है ना, घर घर नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना किसी रेंट के घर पे आई हूँ, रेंट के। और आगे हम नाश्ता करने, मैं कहता कि बस मैं करते रहो। सालन चाय 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 ऊपर आई हूँ अभी अभी, और ये मेरी प्रिंसेस जन्नत और आयत स्कूल से आ गई हैं, और अब इनके कपड़े, ये जन्नत पहनेगी मूसा क्या खा रहा था? ये बम ओपन करके खा रहा था। बड़ी बेटी मेरी शहजादी, चले अब इनको यूनिफॉर्म चेंज करवा के तो फिर वीडियो बनाते हैं। नहीं अब मुझे इधर बताओ ज़रा, मैं ये कह रही हूँ कि माँ खालक जैसे हमने शादी की है और हमने उनको यहाँ से भेज दिया सनी खालू के घर, तो ऐसे दूसरा खालक की भी शादी करके भेज दें यहाँ से। चल दूसरा खाला का हमने रिश्ता किया ही नहीं, पहले उनके घर जाना, मैं कह रही बस छोड़ो कहीं भेज देते, तंग आ गए दूसरा खाला से ना, नहीं तंग आए अच्छा खाला, मुझे तो नहीं अच्छी लगती थी, कहता बस मारूं अच्छी नहीं है ना, ना शादी करो उनकी, फिर वो यहाँ से चली जाएंगी शादी कर देंगे। माँ खाला चली गई है ना, बहुत चलती है। कौन सा फ्रॉक? उस्ताद जी आप बताएं फिर। गंदा मूड, डर्टी कक्का, ये देखो फुल डर्टी मॉल। रात को क्या मसला हुआ था? रात को मसला क्या आया था? हाँ रात को क्या मसला आया था? ये
ये है जी हमारी हांडी का इंतजाम। जान डालने के लिए और ये है आलू। ये भी डालने का खराब हुआ हुआ, वो चेंज करने वाला हुआ हुआ। अच्छा तो अभी जो है ना मैं आलू तो करने लगी हूँ, और आज मैं आपको बताऊंगी कि ज़ीरे वाले आलू बहुत मज़े के बनते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डलती, कोई बीच में फजूल चीज़ें फलाना तटीना तमीना वीणा ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये इतने मज़े के कि मेरी बहन को स्पेशली वो लेकर आती है साथ ज़ीरा के, आप ही आज ज़ीरे वाले आलू बनाएगी। तो मैं ज़ीरे वाले आलू बनाने लगी हूँ। रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, जिस चीज़ के साथ खाएँगे आपको बहुत मज़े का लगेगा। और जब ये मैं बनाऊँगी तो मैं आपको तब भी दिखाऊँगी, है ना। कितना प्यारा लग रहा है धनिया, फ्रेश फ्रेश। और छुरी लेकर आई है। अच्छा टिकटॉक मैंने एक बनाया, उसमें मैंने ऐसे छुरी को ऐसे उठा के कुछ किया और मेरी वीडियो ही बंद कर दी। उन्होंने कहा कुछ कौन सी एक्टिविटी कर रही हैं, हॉरेबल के पता नहीं कौन सी एक्टिविटी है। तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं, अभी ये देखें ये इसके साथ रख के दिखा रही हूँ। ये किसी बंदे चंदे को मारना चाहने का कोई इरादा नहीं है। और मेरे व्लॉग को प्लीज़ सब खुशी खुशी देखा करें, और क्या कहते हैं सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और बेल आइकन को ट्रिक भी कर रहा। अच्छा और दूसरी बात यह कि मुझे आप कमेंट्स भी किया करें, अगर कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछा करें, मैं आपको उसका जवाब दिया करूँगी वीडियो में। और बच्चों की आवाज़ भी नहीं आ रही क्योंकि बच्चे एकेडमी गए हुए हैं, एकेडमी से आएंगे तो फिर उसके बाद उनका शोर होगा और फिर वो खाना खाएँगे और उसके बाद थोड़ा सा खेलेंगे और फिर अल्लाह नहीं करेंगे क्योंकि कल फिर स्कूल जाना है। और रात को मूसा ने इंतहा का तंग किया मुझे, जिसकी वजह से मैं रात सो नहीं पाई। और अभी मेरी व्लॉगिंग थोड़ी सी ऐसी है, छोटी मोटी सी, उसके बाद आगे जब मुझे लगेगा कि अब लोग पसंद कर रहे हैं, आप जो मेरी फैमिली हैं जो मुझे पसंद कर रही है, तो फिर मैं आपको और मज़े के व्लॉग्स भी बताऊंगी बना बना के, ठीक है। और सिर्फ अर्निंग के लिए कर रही हूँ, मुझे अर्निंग की शिद्दत से ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से आप सब मुझे फॉलो करें और लाइक करें। और मेरी खालाएँ बड़ी दूर बैठी हुई हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखें, ठीक है। और अभी मैं जब ये बनाऊँगी तो आपको वो भी दिखाऊँगी, जब तक के लिए वेट करें, ठीक है। बस अभी मैं किचन में जाने लगी तो फिर मैं दिखाती हूँ। अब हम आ गए हैं किचन में और बनाने लगे हैं आलू। कैमरे को यूं बिल्कुल सीधा रखें जी, ऐसे सही, ऐसे नहीं, यूट्यूब पर फिर वीडियो सही नहीं जाएगी, छोटी आएगी। हाँ ये है आलू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुजफ्फर बैठे अच्छा ये देखिए, ये हमने ऑयल डाला है, ठीक है। ऑयल के अंदर एक वो टुकड़ा सा कुछ आ गया, मैं उसको रिमूव करती हूँ। प्लीज वही देख रही हूँ कि क्या चीज है। इधर मेरी तरफ खिलाए जरा, छुट्टे ना पड़े इसलिए मैंने चमचा बढ़ा लिया। अच्छा अब देखे मेरी बात सुने, अब हम इसमें क्या करने लगे हैं, वेरी डीपली स्टेप। ज़ीरा, हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा, ओके। इसके बाद हरी मिर्चों को साइड पे रख के हमने निकालने हैं आलू, इसमें रखना दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
करते हैं। अच्छा इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि आलूओं का अपना पानी इतना होता है कि हम इसमें पानी डालेंगे तो बदवाए जाएंगे। ओहो तुम किधर आ गए। अब ये देखें हरी मिर्च ज़रा चाक करके डालें ताकि खाने में मज़ा आए। सड़ी सड़ी छुड़ू छुड़ू ना हो आपकी, इसलिए ऐसा करके दो टुकड़े करके डालें। अच्छा अब ये देखें इधर इसमें डलेगा हसबे जरूरत नमक, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे इसमें। चिली फ्लैग, हल्का सा और क्या ना, और ब्लैक पेपर डालते हैं। लहसुन तो यही है, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर पानी कितना है इसका अपना आलू का, नजर आ रहा है। और इसको बिल्कुल मध्यम मध्यम आंच में हम बनाएंगे। और बहुत ये मैंने मुझे भी दिखाया ना भाई, मेरा भी लाग है, मुझे लाती नहीं आया, फिर कैमरा खड़ा कर दिया। मैं इतनी छोटी सी आऊंगी ऐसा करे, मेरा मुंह इतना बड़ा था, मुझे बड़ा बड़ा पूरा पुराना चाहिए ना। हाँ भैया लगे मुझे ऐसा करके दिखाई दे, ऐसे होंगी मैं। अच्छा ना ये मेरी कैमरा मैन है जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी यही होगी कैमरा मैन, और कुछ टाइम तक एडिटिंग ये स्टार्ट कर देगी। ऐसे मुझे सही आती नहीं है एडिटिंग, तो पता नहीं क्या टूटा फजा कुछ जोड़ देती थी कुछ, वाह कुछ बनाती। मैं वो मेरे से बेहतर बनाती हूँ। ओह यार मेरे से बेहतर। आलू ने खड़कना शुरू कर दिया ऐसे। अच्छा इसके अंदर हमने थोड़ा सा और डालना है, एक विच रोशनी पान लगी कुड़ी मेहंदी। अब ये बन के तैयार होंगे जलवा, नहीं तो हलवा बन जाएगा। उसे क्या कर रहे हैं, मुझे कहा कर एक तो मेरी आंखों का भी रोशनी आ रहा है, मेरे को नजर ना क्यों चीखे मारे। ये देखो क्या देखे गैस, ये मेरे मुझे मिला रही, कहती ये मेरा, ये मेरे ये पापा ने सुबह पकाने के लिए। हाँ तो फिर मैंने अपने पैसों के लिए उनको गलों में इधर से ना मारूंगी। अच्छा ये मेरे है, मुझे दो, चाय पियेंगे हम साथ, कुछ खाएंगे हम चाय अपनी छोटी बहन को देती हूँ। क्या याद करेगी यार, और ये मेरा पुत्र
सोनू मेला पुतल बोपालाई बोपालाई। अभी जब भांडी तैयार होगी ना तो ये सिटी मास्टर है, जब तैयार हो जाएगी तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी और आपको मैं अपने घर के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अभी अरे हम किचन में आ गया, देखिए कितनी जबरदस्त लुक आ रही है इसकी, ठीक है ऑसम जबरदस्त। आलू गल गए, ये देखिए कैसे मलाई की तरह गल रहे हैं। इसके अंदर एक कतरा भी पानी नहीं डाला मैंने, ठीक है। दूसरा कल हमारी खाला जो चाट लेके आई थी ना कल परसों, चाट मसाला, वो थोड़ा बहुत इसमें इन करें तो ज़रा मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फुल स्पाइसेस के साथ मज़ेदार आलू, ठीक है। अब मैं ज़रा हिला लूँ इसको तो फिर दिखाती हूँ, ठीक है। कैमरा मैन ज़रा बिजी है अंदर मूसा के साथ। अच्छा तो ये मेरे आलूओं की फाइनल लुक है, ठीक है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये धनिया, धनिये का कौन कौन क्रेज रखता है और आपको पता है कि धनिये का जो फ्लेवर आता है ना क्या ही बात होती है उसकी, जबरदस्त, ठीक है। अब हम इसको 5-6 मिनट के लिए ज़रा ढक देंगे, ठीक है। यानी कि हांडी हमारी रेडी हो गई है और अंदर जा रही हूँ मैं कमरे में। एक रूम ये है हमारा, ये मेरी मम्मा का रूम है और ये बेड मेरी मम्मा के जहेज का है। मैं माशाल्लाह से 28 साल की हो गई, मेरी मम्मा की शादी को 29 साल हो गए और ये बेड अभी तक कायम है। बंदे चले जाते हैं सब चीज़ें यहाँ रह जाती हैं। ये मेरी अम्मी की अलमारी बर्तनों वाली और वो सिंगार बेस मेरे नाना बने दिया था। और मैं आपको अपने मामा बाबा भी दिखाती हूँ एक मिनट, अगर आपको नज़र आ जाए तो। पापा काम पे गए हैं और मम्मा अल्लाह ताला के पास, और एक और रूम दिखाती हूँ, ये बच्चों ने तबाही मचाई हुई इस रूम में, ये मेरे बच्चों ने देखे दीवारों का क्या शेयर किया। इंशाल्लाह कमाऊंगी यूट्यूब से तो फिर बनाऊंगी। टाइम देखें, बच्चों का भी आने का टाइम हो गया है। अच्छा जी तो ये अब हमारा खाना रेडी हो गया, ये मैं और यूसरा, मूसा और यूसरा, हम खाना बन लगेंगे। मेरी प्लेट है वो यूसरा की। तो आज के लिए इतना सा ही व्लॉग और फिर हम कल से नए दिन से आगाज़ करेंगे। और ज़रूर कोई भी मैसेज हुआ तो मुझे बताइएगा, और अगर कोई मुझे न्यू देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।